सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, जन्म जन्म की तकदीर को चमकाने वाले शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्यांजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? बाबा कहते हैं, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है, बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाबा ने आज बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया तुमको, दुनिया की तस्वीर हो। भक्त ये गीत गाते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला यह महिमा किसी मनुष्य को है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथे का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण के जो कलंक लगाए हैं वो तो भगाने के, शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके, ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो कुमार है इसीलिए उसकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मीनारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, सोलकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण को तो द्वापर में दिखाए, समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो, यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापना किया है, राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब को समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर, गीता ही रंग लग दिया है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी ही नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं है। ये तो बाप बेट पाठशाला में पढ़ाते हैं, पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। इसलिए बाबा कहते हैं, माया जीत सो जगत जीत। बाबा कहते हैं, माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। जब महाभारत में दिखा गया भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है, शास्त्रों में तो बहुत बात लिख दी है। भक्त, माताओं को जाना चाहिए, बोलो हम आपसे इस संबंध से बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान गाई है, भगवान की महिमा है, श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात से संशय आता है, रुद्र भगवान उवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है,
यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयुग सिखाया, बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है। तो बाबा कहते हैं यह समझाना है उनको, तमेव मातश्च पिता कहा जाता है, जिन्होंने एक धर्म स्थापना किया, स्वर्ग स्थापना किया, उनको ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं, मच्छर सदस्य सबको ले जाना है तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। बाबा कहते हैं यह तो जानते हो हम निराकार दुनिया के रहने वाले हैं, परम धाम से यहां आकर पाठ बजाते हैं, लेकिन अभी विनाश सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं, यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचे तो ऊंच बाप है, वो तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। वंश तो बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह वंश भी अच्छी है, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिख ला ना सके। भगत ऐसे ऐसे पॉइंट लिखने चाहिए, मन मना भाव मध्याजी भाव। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा भी कर्म विनाश होगा। तब बाबा कहते हैं परंतु माया याद करने नहीं देती है। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापना होती है। प्रलय तो होती नहीं है, परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है, मतलब परिवर्तन। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा आज धारणा में हम बच्चों को कह रहे हैं, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर सोज सन, सन सोज फादर, सभी को बाप का परिचय, सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शक्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं, ना दिल शिकस्त होंगे ना घबराएंगे। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव दिखेंगे तो 9 लाख प्रजा सहज ही तैयार हो जाएगी। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे, मन पवित्र संपूर्ण पावन।
तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर एक बाबा की याद में रहना है कि मैं बिंदु, मेरे बाबा भी बिंदु, परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।